हेलो दोस्तों, आज हम लोग हीटर बनाना सीखेंगे घर पर ही और बहुत ही कम खर्चों में, मात्र 5 से 10 रुपए में हीटर बनाना सीखेंगे। जिसके लिए आपको ज़रूरत होगी मात्र 2 ईंटों की और एक स्क्रीन की, जो होती है जो बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगी, जिससे लेकर के हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आप लोग ईंट ले लेंगे और आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, अब ये मशीन जो है अधिकतर सबके घर पे ही होती है। ईंट चिनाई पत्थर वत्थर वाले के पास जो है मशीन रहती है, उससे आप लोग ले लेंगे और आराम से जो घर पे है इसको ईंट को बना लेंगे। और आपको वहाँ यहाँ दिखाया जा रहा है कैसे बनाया जाता है। तो ये रही मशीन, और इस मशीन को आप देख सकते हैं कैसे इसको बनाया जा रहा है। तो चल चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग क्या है मशीन से काट कर क्या है इसको, इसमें निशान बना लेंगे, गड्ढे बना लेंगे एक ईंट में। उसके बाद हम लोग दूसरे ईंट में बनाएंगे। तो चाहिए लोग दूसरे ईंट में बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप लोग क्या है उसको ग्लाइंडर इस टाइप की मशीन होती है, उससे आप काट करके क्या है इसे बना सकते हैं। और उसके बाद जो है क्या है, जो थोड़ा थोड़ा साइड में निशान है उसको एक औजार है, होता है छोटा सा घर में होता है, उससे आप साफ कर सकते हैं। चलो दोस्तों, क्या है हमारा जो छोटा सा औजार है, पेचकस या पिलास हथौड़ी कुछ आप ले सकते हैं, और जो गड्ढा हुआ है या जो लाइन हमने बनाया है उसको क्या है थोड़ा साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद तब इसमें लगाएंगे। तो आइए हम लोग गड्ढे को साफ करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। और तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा शानदार लुकिंग के साथ है, जिसका सांचा है बनके तैयार हो गया है। और इस तरह आप बना सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो स्प्रिंग लगती है जो गर्म करती है, उसको हम क्या करेंगे इसमें फिट करेंगे। ठीक, क्या करना है आपको, इसमें स्प्रिंग को फंसा देना है, और जिस स्थान पर इसको रखना है, ऐसा करें आप जिस स्थान पर रखना है वहाँ रख करके स्प्रिंग को लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह हम लोग स्प्रिंग को लगा देंगे। और अब हम क्या करते हैं, और हमारा देखिए पूरा इसमें स्प्रिंग लग गया है। देखिए पूरा, देखिए शानदार तरीके से। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि भैया चलते हैं, हम लाइट से क्या है इसे चेक करते हैं कि जलता है कि नहीं जलता है, कितने बेहतरीन तरीके से जलता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारा हीटर बन के तैयार हो गया है, और ये बेहतरीन तरीके से जल भी रहा है, और इस पे हम आराम से कुछ भी पका सकते हैं।